राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार मुस्लिम बच्चों को शिक्षा और रोजगार में 5% आरक्षण देगी। विधान परिषद में अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। विधान परिषद में शुक्रवार को प्रश्नोत्तर काल के दौरान शरद रणपिसे ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल किया था। रणपिसे ने पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का निर्णय लिया था, लेकिन पिछले 6 सालों से इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसके जवाब में नवाब मलिक ने कहा कि मराठा समाज को दिए गए आरक्षण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण के संदर्भ में जो मंजूरी दी है उसके आधार पर जल्द ही मुस्लिम आरक्षण कानून बनाया जाएगा। मलिक ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, शिवसेना भी मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का समर्थन करेगी, इसीलिए सरकार जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी कर आरक्षण लागू करेगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने साल 2014 में अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मराठा समाज को 16% और मुस्लिम समाज को 5% शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण नहीं टिक पाया, वहीं मुस्लिम आरक्षण की मान्यता दी थी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी। फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया, लेकिन मुस्लिम समाज को आरक्षण देने से इनकार कर दिया था। फडणवीस का कहना है कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस पर कदम आगे बढ़ाने का निश्चय लिया है। इससे पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण देरेकर ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपनी सरकार की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, हम सरकार की भूमिका का समर्थन करेंगे। इस पर मलिक ने कहा कि मंत्री के रूप में मुझे फैसला लेने का अधिकार है। इस दौरान भाई गिरकर ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पर मलिक ने कहा कि सरकार संविधान के मुताबिक फैसला लेगी। मागच्या सरकारने जो निर्णय घेतला होता त्या बाबतीत हायकोर्टाने काही आदेश दिले आणि त्यानंतर तो अध्यादेश लॅप्स झालेला आहे, कायद्यात रूपांतर झालं नाही, ही सत्य परिस्थिती। आता जेव्हा कोर्टाने एखादा आरक्षणाला मान्यता दिली तर निश्चित रूपाने जो निर्णय झाला होता त्याची अंमलबजावणी करणं हे बंधनकारक होतं, पण मागच्या सरकारमध्ये तो कायदा करण्यात आला नाही। मी इतकंच बोलू इच्छितो, याच्यात दोन विषय आहेत। एक विषय, जसं मागच्या सरकारने अध्यादेश काढला होता तसंच्या तसंच काय आपण अध्यादेश काढून कायद्यात रूपांतर करू, किंवा जे हायकोर्टाने मान्य केलेलं आहे ते भाग वेगळा करून त्या पद्धतीने मान्य करू आणि उरलेला जे आहे त्याच्यासाठी वेगळा अध्यादेश काढू। जे हायकोर्टाने मान्य केलेलं आहे लवकरात लवकर कायदा आणून त्याच्यावर अंमलबजावणी या राज्यात सुरू होईल।